रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम इस वीडियो में महीनों के नाम और महीने में कितने दिन होते हैं ये देखेंगे। अक्सर आपने देखा है कि छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ज़्यादातर याद नहीं रहता कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। एक आसान मेथड है, तरीका है, इस तरीके से आप बच्चों को आसानी के साथ पढ़ा सकते हैं कि कौन सा महीना कितने दिनों का है। जब हम भी छोटे थे तो हमारे भी असातिज़ा ने हमें इसी तरह से पढ़ाया था। जो ऊपर आएगा वो जनवरी का 31 दिन का होगा और जो वापस नीचे जाएगा वो फरवरी का 28-29 का होगा। वापस जो ऊपर आएगा मार्च 31 का होगा। इसी तरह से हमें बंद मुट्ठी के ज़रिए हमें भी पढ़ाया था। लेकिन आज हम इसी से इस तरीके से भी आसान एक तरीके से हम क्या करेंगे, महीनों के नाम और महीने में कितने दिन होते हैं ये सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे साल के पूरे महीने लिख कर लिए हूँ। देखिए यहाँ पर जनवरी 31 दिनों का होता है, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। इस तरह से साल के 12 महीने होते हैं और इस 12 महीने में कौन सा महीना कितने दिनों का होता है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 31 है, यहाँ पर भी 31 है। अब देखें यहाँ पर जो 31 का महीना है हम उसके तरफ नहीं देखेंगे बल्कि 30 का महीना कौन कौन सा है पहला ये देखेंगे। अब 30 दिनों का कौन सा महीना है, अप्रैल, जून, सितंबर और ये है नवंबर। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल का सबसे पहले हमें अलिफ को यहाँ से लेना है। इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, अलिफ के लिख कर लेंगे। उसके बाद में देखें यहाँ पर 30 का वापस से कौन सा महीना है, जून। जून का हम खाली ज लिख कर लेंगे। वापस से यहाँ पर देखिए 30 दिनों का कौन सा महीना है, सितंबर, तो वापस उसका स लिख कर लेंगे। वापस आइए यहाँ पर देखिए 30 का पहला हुर्फ कौन, 30 का इस महीने का हम कौन सा पहला हुआ है हुर्फ, न। तो यहाँ हम क्या करेंगे, न को लिख कर लेंगे। इस तरह से पूरा लफ्ज कौन सा तैयार हुआ, अजसन। खाली बच्चों को अजसन ए लफ्ज़ को याद करने के लिए कहना है। अजसन ए अगर लफ्ज़ बच्चा याद करेगा तो खुद ब खुद उसे मालूम पड़ेगा कि अजसन ए क्या है, 30 दिनों का है। देखिए यहाँ पर अलिफ को हमने क्या मान लिया था, अप्रैल। ज का हमने क्या लिखा है, कौन सा महीना लिखा है, जून। स का कौन सा महीना है, सितंबर। और न का कौन सा महीना है, नवंबर। ये पूरे 4 महीने देखिए, नवंबर भी 30 दिनों का होता है, सितंबर भी 30 दिनों का होता है, जून भी 30 दिनों का होता है, अप्रैल भी 30 दिनों का होता है। ये स्कॉलरशिप और छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा मुफीद है। अक्सर आपने देखा है कि स्कॉलरशिप में अपन पूछा जाता है, हम क्लास में बच्चों को से भी पूछते हैं कि कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, तो ज़्यादातर याद नहीं रहता। इसीलिए खाली आप खाली इस इतना ही लफ्ज़ बच्चों को याद कराई, अजसन। अगर अजसन याद होगा तो खुद ब खुद मालूम पड़ेगा कि अजसन में कौन कौन से महीना है। अजसन में पहला अलिफ का होगा अप्रैल, ज का होगा जून, स का होगा सितंबर, न का होगा नवंबर। इस तरह से हम महीनों के नाम और महीने याद करा सकते हैं। खाली अजसन अगर याद होगा 30 दिनों का, तो बाकी ये सब क्या है, 31 दिनों के महीने खुद ब खुद बच्चों। अजसन अगर याद होगा तो अजसन में कितने महीने आए, 4 महीने, बाकी ऊपर कितने बचे हैं, 8 महीने। 8 महीनों में से 31 से कितने महीने हैं, 7 हैं,
और जो फरवरी का महीना है वो 28 या 29 दिनों का होता है, वो एक। तो टोटल हमारे कितने महीने हुए यहाँ पर, 12। इस तरह से आप क्लास में बता सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। खुदा हाफिज़।